नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी का चुनाव प्रचार। भुना के जांडली खुर्द में पहुंचे दुष्यंत चौटाला, कहा अच्छे दिन बीजेपी के आए, कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां जनता से धोखा कर रही हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जनता चाह रही है बदलाव। आप देख रहे हैं फतेहाबाद से पल पल की विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी प्रचार आरम्भ कर दिया है। वहीं जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला चुनावी प्रचार करने के लिए आज फतेहाबाद के गांव जांडली पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी आने वाले चुनाव में प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छे दिन भाजपा के आए हैं, जनता के नहीं। आज उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। भाजपा को उन्होंने घेरते हुए कहा कि भाजपा तो देश की सभी 545 सीटें जीतने की बात करती है, मगर चुनाव जन भावनाओं से जीते जाते हैं, बातों से नहीं। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता का रुख जो है वो बदल रहा है और जनता बदलाव चाहती है। भाजपा का ग्राफ काफी तेजी से गिरा है, जिसका उदाहरण जींद उपचुनाव में देखने को मिला था, जहाँ सरकार ने सभी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, फिर भी वहाँ 50,000 वोट पर सिमट पड़ा। उन्होंने कहा कि आज जनता परिवर्तन चाहती है। आप देख रहे हैं पल पल से राजेश भंबो की विशेष रिपोर्ट। कह रही है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे हम। भाजपा तो 543 जीतने की बात करती है, पर चुनाव जन भावनाओं से जीते जाते हैं। जिस प्रकार से एक नहीं प्रचलन चला पूरे प्रदेश के अंदर, दिन प्रतिदिन भाजपा का ग्राफ मिलता जा रहा है, और इसका एक ट्रेलर जीत के अंदर दिखा, जहां सरकारी मशीनरी का पूरा उपयोग कर कर भी ये 50,000 वोटों पर सकते आगामी चुनावों में उससे भी बड़ा बदलाव आपको हरियाणा में दिखेगा। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि जनता परिवर्तन चाहती है, उस परिवर्तन का नाम जननायक जनता पार्टी। बताए कुलदीप इसराइल भी बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं आपके क्षेत्र? अपना निर्णय है, राजनीति के अंदर तो चुनावी मौसम ऐसा होता है जहाँ हॉर्स ट्रेडिंग बहुत चलती है, पार्टी बहुत बदली जाती है। तो क्या ये आपके डर के कारण हो रहा है या क्या समझते हो? टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, उनकी निजी सोच है, किस सोच के साथ आगे बढ़ेगी वो उनका निर्णय। तो आप की पार्टी प्रदेश में कितनी सीटें जीत पाएगी? मैं तो ये बोलता हूँ 10 की 10 मजबूती से लड़ेंगे। हमारा तो पहला चुनाव और हम तो इसी प्रयास में 10 की 10 को जीतने का काम। देखिए जिस प्रकार से 14 दिन के अंदर 53 जवान शहीद हुए थे और बीजेपी ने गौरव यात्राएं निकाली, ये अपने आप में दर्शाता है कि रणनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस पूरे मामले पर राजनीति करने का काम।